हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसी वजह से वीडियो अब मैंने कुछ भी नहीं बनाई हूँ। अपलोड भी मेरे पास एक वीडियो पहले से था, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन बिल्कुल उदास लग रहा है, जैसे लग रहा है कहाँ पर कुछ हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, इसी वजह से कुछ काम करने के लिए मन भी नहीं हो रहा है जितना काम करना चाहिए। घर में तो रेगुलरली हम मैंने तो कर लिया, लेकिन और ज़्यादा कुछ करने के लिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो मैं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं। तो चलिए, मेरे पास जो वीडियो था मैं आज आपके साथ शेयर कर लूँगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलिए वीडियो देखने के लिए। प्रेशर गरम करके 3 चम्मच ऑयल डाल दिया था। गरम होने के बाद जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद हम डाल देंगे 1 बड़ी हुई बारीक से कटी हुई प्याज। प्याज को भुनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने उसको पेस्ट बना दिया था, अब उसको भुन चुका है। तो इसमें डाल दिया सूखा मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। थोड़ी देर भून लेने के बाद हम डाल देंगे कटी हुई 1 बड़ा सा टमाटर। यहाँ पर मैंने चना दाल को 1 घंटा पहले भिगो लिया था, उसको धोकर साफ करके डाल दिया। यहाँ पर 1 कटोरी चना दाल के लिए 2 कटोरी चावल मैंने ले लिया हूँ, जो हमारी रेगुलर में जो चावल हम चावल छोटे बाल जो राइस हम इस्तेमाल करते हैं उसको ले लिया था। यहाँ पर सोयाबीन वो भी गर्म पानी में भिगो लिया था। अब यहाँ पर कटे हुए बीन्स, गोभी, गाजर और आलू को डालकर हल्के हाथों से हम उसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं गैस को बिल्कुल मीडियम आंच पर रखी हूँ। यहाँ पर 1 बिरयानी मसाला 2 चम्मच डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर बिरयानी मसाला डालने से उसका स्वाद थोड़ी सी बिरयानी जैसा आएगा। तो आप लोग ज़रूर डाल दीजिए, सब लोग खुश होकर खा लेंगे। यहाँ पर देखिए, चावल को मैंने बिल्कुल नहीं भिगाई, सिर्फ धोकर डाल रही हूँ। 2 कप चावल यानी 1 कटोरी चना दाल के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल को ले लिया था, उसको डालकर मैं उसको हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। धीरे धीरे हम उसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक भी डालकर थोड़ी देर हम उसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, देखिए आपको बिरयानी से ज़्यादा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी डाल दिया, इसी अनुसार मैं 2 कटोरी चावल के लिए 4 कटोरी पानी डाल दिया था। अब यहाँ पर आपके पास हरा धनिया का पत्ता हो तो डाल दीजिए। लास्ट में ज़रूर डालिए 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि घी डालने से इसी रेसिपी की स्वाद थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर हम प्रेशर को बंद कर लेंगे और 1 सीटी आने के बाद ऑटोमेटिक गैस रिलीज होने के बाद ही हम उसको ढककर निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऑयल गरम करके कटी हुई प्याज डाल दिया, उसमें डाल दिया था मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन कुटी हुई जो था, उसके बाद टमाटर और सूखा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालकर मैं यहाँ पर भून दिया। उसके बाद डाल दिया कस्तूरी मेथी। यहाँ पर तो चावल के साथ हम सब लोग सलाद खा लेंगे, लेकिन शान बिल्कुल नहीं खाएगा। जो छोटा बच्चा होते हैं ना, वो तो दही नहीं खाते, इसी वजह से थोड़ी सी चिकन मसाला डालने के बाद यहाँ पर डाल दिया मैंने उबला हुआ आलू था, उसको काट लिया था, उसको डालकर थोड़ी देर मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि सब्जी चावल के साथ शान बिल्कुल रायता नहीं खाता है, इसी वजह से थोड़ा सा आलू भी मैंने बना लिया। देखिए, प्रेशर 1 सीटी देने के बाद ऑटोमेटिक रिलीज हो गया था। उसके बाद मैंने सीटी निकाल कर देखिए, बिल्कुल खिला खिला हमारी बना है चना दाल की मसाला खिचड़ी। इस टाइम पर आप लोग ज़रूर बिजी होंगे ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है ना, काम करने में मन नहीं होता है, तो आप लोग फटाफट इसको बना लीजिए और खाने के लिए बिल्कुल टेस्टी बनेगा, सब लोग भी आराम से खा लेंगे। यहाँ पर देखिए, लंच में आज बना था आलू की सब्जी, चना दाल की मसाला खिचड़ी और रायता, तो आप लोग ज़रूर पसंद आएगा। जो मैंने
चना दाल की पलाव बनाई, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। ये रेसिपी वन फट मील, यानी हम कभी कुछ काम करने के लिए मन नहीं होता है इसलिए फटाफट हम खाना बना लेते हैं। तो अब भी दिवाली की आप लोग सफाई वगैरह कर रहे होंगे तो आपके लिए इस रेसिपी जरूर काम आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।